दिवाली खुशी लेकर आती है, लेकिन लापरवाही की वजह से देश के कई शहरों में खौफ और मातम का मंजर भी सामने आया है। कई शहरों में आग लगने की कई घटनाएं आई है। दिल्ली में ही 100 जगहों से ज्यादा जगहों पर आग लगी है। आग लगने की एक और बड़ी घटना बिहार के समस्तीपुर में भी हुई। यहाँ एक बड़ा हादसा टल गया। शहर के गोला रोड में 2 पटाखों की दुकान में आग लग गई। ग्रेटर नोएडा, औरैया, बस्ती, बरेली, यहाँ से भी कुछ ऐसी ही आग की तस्वीरें सामने आई। वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो दिवाली पर किस तरीके का आग का तांडव मचा, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे चले और इस दौरान आग लगने की भी कई घटनाएं हुई। ये आग की सबसे भयावह घटना है जो दिल्ली में दिवाली की रात हुई। पीतमपुरा के दर्पण रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद 7 दमकल की गाड़ियां भेजी गई। कई घंटे बाद आग को बुझाया जा सका। आग के बाद की तस्वीरें देखी, सब कुछ खाक हो चुका है। आग की दूसरी बड़ी घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक बहुमंजिला सोसाइटी में हुई। यहां वेदांतम सोसाइटी के 1704 नंबर के फ्लैट में आग की भयंकर लपटें उठने लगी। सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। ऊपर फ्लैट से लपटें उठ रही थी और नीचे लोग जमा थे। दमकल को पहुंचने में भी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। करीब 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा से ऊपर हो गया है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर में आई है? अभी 1 घंटे बाद आई है। निवासियों का कहना है फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग 1.5 घंटा के बाद आई है, 1 घंटे के बाद। दिल्ली में 4 से 6 बजे के बीच फायर डिपार्टमेंट को 42 फायर कॉल मिली। 7 बजे से 8 बजे के बीच आग लगने की 13 कॉल मिली। 8 से 9 बजे के बीच 30 कॉल्स मिली। 9 बजे से 10 बजे के बीच 22 कॉल्स मिली। आग लगने की एक और बड़ी घटना बिहार के समस्तीपुर में हुई, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। शहर के गोला रोड में 2 पटाखों की दुकानों में आग लग गई। दुकानों में रखे पटाखे जबरदस्त तरीके से फूटने लगे। लोग समझ पाते तब तक आग लगने से आतिशबाजी शुरू हो गई और खतरनाक अंदाज में पटाखे चलने लगे। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने से भगदड़ का माहौल बन गया। लोगों ने खुद आग काबू करने की कोशिश की। एक साथ कई लोग आग बुझाने वाले सिलेंडर लेकर कोशिश करने लगे। इस बीच पटाखों की चिंगारियां छूटकर दूसरी दुकानों पर गिरने लगी। काफी देर तक जबरदस्त तरीके से पटाखे फूटते रहे। बरेली के बाहरी पुलिस स्टेशन इलाके में एक शोरूम और बैंकेट हॉल में भी भयंकर आग लग गई। इसी तरह दिवाली की रात पटना के गांधीनगर इलाके में एक दुकान में भी आग लग गई। पटाखों की चिंगारी बस्ती में भी कबाड़ की इस दुकान को भारी पड़ गई। इस दुकान में भयंकर आग लग गई। आग बुझाने पहुंची दमकल का पानी तक खत्म हो गया। कई घंटे तक इलाके में अफरा तफरी रही। शहर की घनी आबादी में स्थित दुकान में आग काफी मुश्किल से काबू में आई। आग लगने की इन घटनाओं में भारी नुकसान हुआ। आज तक ब्यूरो।